ओके स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। देखिए, हमने अब तक जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर कर लिया है। नाउ लेट्स कवर अप ऑल द बैलेंस क्वेश्चंस, एंड आज मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को रैप अप कर दिया जाए। चलिए तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें बताया हुआ है, रीडिंग करने की वही टेक्निक रहेगी। आपको दो डेट्स का खास ध्यान रखना है डेथ के क्वेश्चन में। वो दो डेट्स क्या क्या थी जल्दी से बताइएगा। पहली तो जिस डेट पे आपकी बैलेंस शीट क्लोज हो रही है, और दूसरी डेट जिस डेट पे उस पार्टनर की डेथ हुई है। तो आपको इन दो डेट्स का बहुत ज़्यादा और ख़ास ध्यान रखना होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिएगा, 31 मार्च 2014 को बैलेंस शीट हमें गिवन है जी, तीन पार्टनर की, एक पूजा, कुरेशी एंड रोज। वो वर पार्टनर्स इन द फर्म, और ये इनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ आइटम्स आ रहे थे। एक तो रिजर्व फंड जो पार्टनर्स में डिवाइड होता है, और एक यहाँ पे एसेट साइड में कुरेशी साहब का लोन आ रहा है 1,00,000 रुपये। ठीक है जी, पक्का बता रहा हूं जी, इस क्वेश्चन में कुरेशी की ही डेथ होने वाली है, क्योंकि अगर उसका लोन एसेट साइड में गिवन है तो लगभग ये है कि इसी की डेथ होगी। चलिए देखिए जरा, लो जी हो भी यही गया, कुरेशी साहब की डेथ हो गई है। कुरेशी जी की डेथ हो गई 1 जुलाई 2014 को। तो ये बताइए जरा, वो कितने समय तक बिजनेस में रहे? अप्रैल, मई और जून, यानी कि 3 महीने है टाइम पीरियड वो जितने समय तक बिजनेस में रहे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर की 2:1:1 है, और डेथ ऑफ पार्टनर में पार्टनरशिप डीड इन तमाम चीजों के लिए प्रोवाइड करती है। हमारी डीड कहती है कि डेथ पे डिसीज पार्टनर उसको को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, एंड इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो इसमें टाइम बेसिस पे ही हमें काम करना है। अच्छा जी, अब जरा आगे देखिएगा। दूसरी चीज, गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। फर्म की गुडविल क्या मानी जाएगी? जो टोटल प्रॉफिट आएंगे पिछले 2 साल के, वही फर्म की गुडविल होगी। और उसके अंदर हमें कुरेशी साहब का शेयर निकालना है और वो पार्टनर्स में डिवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू पार्टनर। देखिए यहां पे लोन फर्म ने दिया हुआ है पार्टनर को, तभी तो एसेट्स में आ रहा है क्योंकि फर्म को लेना है। विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और 4,000 विच एवर इज मोर। वो कह रहे थे इंटरेस्ट ऑन लोन आपको इसमें प्रोवाइड करना है कितना, 6% पर एनम या फिर 4,000, दोनों में से जो भी ज्यादा आएगा आप उतना इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड कर देंगे। इसका मतलब यह है कि 1,00,000 पे आप 6% पर एनम के हिसाब से पहले लोन निकालिए, तो ये 1 साल का तो बनता है 6,000, करेक्ट। 3 महीने का कितना बनेगा? देखिए, अगर 1 साल का 6,000 है, 3 महीने का उसका आधा हो गया, आधा बनेगा 3,000, और 3 महीने का 6 महीने का भी आधा हो जाएगा, यानी कि 3,000 का भी हाफ वो हो जाएगा जी 1,500। तो मतलब इसे लोन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना होगा जी, 1,500 या फिर 4,000, जो भी ज्यादा होगा। तो ऑफ कोर्स इसमें इंटरेस्ट लोन कितना दिया जाएगा, 4,000। खैर, हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमें बताया हुआ है कि उसे पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स 45,000, 48,000 और 33,000 आपको प्रिपेयर करना है कुरेशी का कैपिटल अकाउंट, जो कि रेंडर करना है हमें उसके एग्जीक्यूटर को। रेंडर का मतलब मैंने आपको बताया था, रेंडर का मतलब क्या होता है जी, प्रेजेंट करना। तो चलिए, कैपिटल अकाउंट बनाना, आप जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए, ये मेरा फॉर्मेट रेडी है जी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। करने का तरीका क्या था? सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बैलेंस को ब्रॉट डाउन। तो बताइए जरा, बैलेंस को अगर आप ब्रॉट डाउन करेंगे तो क्या बनेगी एंट्री? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन चेक करिए और बताइए जरा, कुरेशी साहब की कैपिटल कितनी गिवन है? कुरेशी की कैपिटल गिवन है जी 1,00,000 रुपए। अगला स्टेप होता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, वो है नहीं। नेक्स्ट स्टेप होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो आपको लायबिलिटी साइड में
रिजर्व फंड देखने को मिल रहे हैं, ये वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है जो पार्टनर्स में डिवाइड होंगे। 2 लाख है पूरे फर्म का, इसमें कुरेशी का शेयर होगा 1/4। तो अगर 1/4 आप 2 लाख का करें तो ये आता है जी 50,000 रुपए। ये कुरेशी को शेयर मिल जाएगा रिजर्व फंड के अंदर। रिजर्व फंड के बाद अगला स्टेप होता है गुडविल की एंट्रीज, राइट, जो कि हमारा 4th स्टेप था। तो गुडविल की कैलकुलेशन इसमें किस तरीके से की जाएगी, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि वर्किंग नोट आपको सिर्फ उन आइटम्स के देने होते हैं जो सेलिब्रिटी आइटम्स होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और अगर कोई ऐसा आइटम हो जिसमें टाइम पीरियड के बेसिस पे कैलकुलेशन हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में एक ऐसा आइटम है जिसमें टाइम पीरियड के बेसिस पे कैलकुलेशन होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सिर्फ वर्किंग नोट्स इन्हीं के देने हैं। अब मैं आपको बताता हूं जी डायरेक्टली आप ये गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए गुडविल के बारे में उसने बताया हुआ है, पूरे फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो आप क्या करेंगे जी, पिछले 2 साल के प्रॉफिट्स का बस एडिशन कर दीजिए। तो ये एडिशन करेंगे तो कितना बनेगा, 81,000 बन जाएगा, 48,000 प्लस 33,000, तो ये बनता है जी 81,000। बस यही फर्म की गुडविल है। इस 81,000 में हमें किसका शेयर चाहिए, कुरेशी का। कुरेशी का शेयर था जी 1/4, तो वो कितना आ जाएगा, 20,250। 20,250 को ये कुरेशी था, अगर ये कुरेशी चला गया तो रेशियो क्या बचेगी, 2:1। तो 20,250 को 2:1 में बस आपको डिवाइड करना है, तो ये बनेगा आपका, एंट्री कर देते हैं, बताइए जरा एंट्री क्या बनेगी गुडविल को डिवाइड करने की, सर्वाइविंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, यानी कि पूजा और रोज डेबिट और कुरेशी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप एंट्री करेंगे बाय पूजा कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कुरेशी कैपिटल अकाउंट। देखिए यहां पे हुआ ये है, कुरेशी क्रेडिट हुआ है एंट्री में, तो क्रेडिट साइड में अमाउंट आना चाहिए यहां पे, और डेबिट हो जाएंगे जी जो यहां बाय में लिखा जाएगा, जो अकाउंट आपके डेबिट हुए। एक तो पूजा कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ और दूसरा रोज कैपिटल अकाउंट। एंट्री हो क्या रही है, जर्नल एंट्री, बताइए जरा इसमें एंट्री बन रही है सर्वाइविंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर, यानी कि पूजा डेबिट, रोज डेबिट टू कुरेशी। तो 20,250 इसका शेयर ऑफ गुडविल आया था, अगर मैं इसे 2:1 में डिवाइड करूं तो ये बनता है 6,750 और 13,500, 2:1 में डिवाइड करके ये गुडविल भी एडजस्ट हो गई। पहले 4 स्टेप करने के बाद, इसके बाद हमें क्वेश्चन को देखना होता है कि उसने और इसके अलावा क्या चीजें कही हैं जो प्रोवाइड होनी चाहिए। पहला पॉइंट है शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट के लिए उसे किस तरह से दिया जाएगा, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 completed years, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो वर्किंग नोट में सबसे पहला जो वर्किंग नोट हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ कुरेशीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बोलो बेटे जी, कुरेशी का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से आएगा, कुरेशीज शेयर इज इक्वल टू जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा लास्ट 3 इयर्स का इनटू में टाइम अप टू डेथ डिवाइडेड बाय 12 और इनटू में जो भी कुरेशी साहब का शेयर आपको गिवन है, ठीक है जी। तो एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से निकालेंगे, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एडिशन करना है, यानी कि 45,000, 48,000 प्लस 33,000 और इसे आप डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। तो ये तो बनेगा एवरेज प्रॉफिट, कितने समय तक वो बिजनेस में रहा था, 3 महीने, तो 3/12। कुरेशी का शेयर बताइए इसमें कितना था, 1/4,
लो जी इसे अब आप सॉल्व कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा जी इसकी कितनी गुडविल आ रही है। 45,000 प्लस 48,000 और प्लस करेंगे 33,000 तो ये बनता है जी 1,26,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 3 तो ये आ जाएगा आपका 42,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट इनटू में 3/12 और इनटू में 1/4 तो इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 42,000 और 3/4 करेंगे तो डिवाइडेड बाय 16 करना है बस तो 2,625 रुपए ये आ जाएगा जी इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बताइए जर्नल एंट्री क्या होती है। अगर इसमें चेंज ना हो आपका ये रेशो चेंज ना हो तो जर्नल एंट्री पीएनएल सस्पेंस टू कुरेशी कैपिटल अकाउंट होती थी तो एंट्री बनेगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कुरेशी कैपिटल अकाउंट। कुरेशी का कैपिटल अकाउंट हुआ है क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे हम बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 2,625 रुपए। उसके अलावा और उसे क्या मिलना चाहिए था सेकेंड पॉइंट में गुडविल है वो हो गया है। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी कैलकुलेशन है इसके लिए भी हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा तो इंटरेस्ट ऑन कुरेशीज लोन। देखो बेटे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में उसने हमें क्या बताया उसने कहा जी इंटरेस्ट ऑन लोन उसे कितना दिया जाएगा आप 6% पर एनम के बेसिस पे चार्ज करिए या 4,000 विच एवर इज मोर जो भी इन दोनों में से ज्यादा आएगा वो उसे दिया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन। इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी हायर ऑफ रुपीज 4,000 और जितना उसका लोन बनता है इनटू में आप 6% के हिसाब से उस पर कैलकुलेशन करेंगे और जितने टाइम पीरियड तक वो बिजनेस में रहा उसके हिसाब से तो अगर इसे सॉल्व किया जाए तो इसका लोन बनता था कुरेशी जी का 1,00,000 रुपए। ठीक है तो ये जो 1,00,000 रुपए है इसमें 6% के हिसाब से और इनटू में टाइम बाय 12 करेंगे तो ये आएगा जी 3/12। ये हमने कैलकुलेट पहले भी कर लिया था। देखो बेटे 1,00,000 का 6% 1 साल का बनता है कितना 6,000 रुपए जबकि हमें 3 महीने का चाहिए तो 6,000 का हाफ करो 3,000 हो गया 6 महीने का 3,000 का भी हाफ करोगे तो 1,500 हो गया जी कितने महीने का 3 महीने का तो मतलब ये बनता है 1,500। अब बताओ उसे इंटरेस्ट ऑन लोन क्या मिलना चाहिए जो भी 4,000 और 1,500 में से हायर होगा तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन हायर ऑब्वियसली क्या है 4,000 रुपए ये होगा 4,000 रुपए। ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये हमें इस पार्टनर से लेना था। जितने भी पैसे आपको इस पार्टनर से लेने हैं वो डेबिट साइड में आने चाहिए हाँ या ना यस। और तो और हमें कुरेशी से लोन भी लेना था बोलो बेटे हाँ या ना बिल्कुल सही। तो कुरेशी का लोन जो हमें लेना था एक तो वो आएगा जी डेबिट साइड में 1,00,000 रुपए और जो इंटरेस्ट बन रहा है कुरेशी के लोन पे वो भी आपको उससे लेना है तो ये भी आपको कहां दिखाना होगा डेबिट साइड में। पहली ही क्लास में मैंने आपको फंडा क्लियर किया था अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से जाकर देखाओ। जो आइटम लेने हैं रूल ये है वो डेबिट साइड में आए और जो देने हैं वो क्रेडिट साइड में आए बस जी आप इतना काम कर दीजिए। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था क्वेश्चन इज सॉल्व बस बेटा और कुछ नहीं कैलकुलेशन रह गई है इन सब का टोटल कर दीजिए तो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है
75, इसमें से अब आप डेबिट साइड को माइनस करा दीजिए, तो ये आएगा आपका कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कुरेशी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ये माइनस कर देंगे 104,000 रुपए इसमें से, तो ये बचता है 68,875। ये हमारा आंसर है। इतना काम करके आएंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसे पढ़ते हैं उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, डेट्स। ओके, दो पार्टनर हैं इकबाल और कपूर, और इनके बीच में रेशियो हमें बताई गई है जी कितनी, 3:2। कपूर की डेथ हो जाती है 3 मंथ्स के बाद। लो जी मजे की बात, बेटे इस क्वेश्चन को तो खास तौर पे आप एक धन्यवाद अपनी तरफ से बोली दो। 3 महीने उसने डायरेक्टली बता दिया जी वो बिजनेस में रहा है। कह रहे जी बैलेंस शीट की डेट के बाद 3 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, लीगल हियर्स इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। उसके लीगल हियर्स को ये तमाम चीजें मिलनी चाहिए। पहली, कैपिटल जो उसकी बैलेंस शीट में होगी, इंटरेस्ट ऑन अबाउ कैपिटल 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ, तो ये एक सेलिब्रिटी आइटम है, टाइम पीरियड कंसिडर करना है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उसकी डेथ तक लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे आपने निकालो। इसमें भी आपको क्या करना है, टाइम पीरियड कंसिडर करना है इन दोनों आइटम्स में। हिज ड्रॉइंग्स आर टू बियर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% है, ध्यान देना पर एनम नहीं है। कह रहे जी उसके ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देना है एवरेज रेट 2% के हिसाब से ऑन द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, पीरियड को इग्नोर करना है। तो मतलब ये कि इसमें आप डायरेक्टली 2% देंगे। सर क्या इसमें हम वर्किंग नोट दें? अब देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड वाली ही कैलकुलेशंस पे वर्किंग नोट दीजिएगा बस। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम वर 20,000, 25,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। कह रहे जी पिछले 3 साल का प्रॉफिट हम आपको बता रहे हैं, और ये जो 3 साल का प्रॉफिट है ये आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम है। सर ये क्या पॉइंट है आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम? बेटे ये वाला जो पॉइंट है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही गिवन है। हालांकि अभी इसे पूरा पढ़ लेते हैं। कपूर की कैपिटल बैलेंस शीट में है 40,000 और उसकी ड्रॉइंग्स टिल द डेट ऑफ डेथ है 5,000। बिल्कुल ये कंफ्यूज करने के लिए है। ये देखो उसकी कैपिटल और ड्रॉइंग्स बता दी, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कह रहे जी ये जो प्रॉफिट आया ये इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करने के बाद आए हैं। अरे तो क्या गजब हो गया, हर प्रॉफिट तमाम खर्चे माइनस करने के बाद आता है। उन तमाम खर्चों में से एक खर्चा इंश्योरेंस प्रीमियम भी होता है। ये अगर माइनस कर दिया तो इस बेचारे ने कुछ गलत किया? नहीं, सही कर रखा है। ये लाइन आपको एक भटकन देने के लिए है, बस आपको भटकना नहीं है इससे। कैपिटल अकाउंट बनाना है जी कपूर साहब का, जो हमें उसके एग्जीक्यूटर्स को देना है। तो चलिए जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि मेरा फॉर्मेट बेटे बिल्कुल रेडी है। लो, वाह सर आपने तो इस बार पर्टिकुलर्स वगैरह सब लिख दिया। हाँ बेटे, सारी चीजें मैं रेडी करके ही आगे चला था। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहला स्टेप बताइए कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। पहले तो वो 4 स्टेप करिएगा, 4 स्टेप हो जाने के बाद क्वेश्चन को रीड करिएगा कि वो और क्या एडिशनल चीजें मांग रहा है। सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस, बोलो जरा ब्रॉड डाउन कितना बैलेंस आएगा जी,
कपूर की कैपिटल का बैलेंस बताइए मुझे जरा कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लास्ट लाइन में बताया हुआ है 40,000 रुपए, तो ये आ गया जी इसका बैलेंस। अगला स्टेप होता है आपको रिवैल्यूएशन चेक करना है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, क्या कोई रिजर्व्स गिवन है वो भी गिवन नहीं है, क्या गुडविल इसमें गिवन है, लो जी गजब की बात है कि इसमें तो गुडविल भी गिवन नहीं है। तो फिर अब आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पर आ जाइए, वो चार स्टेप्स हो गए ना अपने, उसके बाद अब क्या क्या मिलना चाहिए, कैपिटल दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% पर एनम के हिसाब से टिल द डेट ऑफ डेथ, और टाइम पीरियड कंसीडर करना इसमें 3 महीने का, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बनता है? हाँ सर बिल्कुल, वर्किंग नोट इसका बनता है। तो पहले मैं यहां लिखकर चलता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया मैंने, वर्किंग नोट नंबर है 1। लो बेटे फर्स्ट वर्किंग नोट मेरा यहां से शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कपूर्स कैपिटल, बताइए जी इंटरेस्ट ऑन कपूर्स कैपिटल किस तरीके से आएगा। पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है, मैं आपको बता चुका हूं कि ये वर्किंग नोट्स है, रफ नोट्स मत बना दीजिएगा। कपूर्स कैपिटल इनटू में बताओ रेट बाय 100, और बताइए इनटू में टाइम बाय 12, कपूर की कैपिटल बताओ बेटा कितनी है, कपूर की कैपिटल आपको गिवन है 40,000 रुपए, रेट बताइए जी इसमें कितना गिवन है, रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गिवन है जी 3%, और टाइम बाय 12, टाइम पीरियड ये कितने महीने तक रहा, 3 महीने तक रहा है, तो अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये बनता है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुल मिला के 300 रुपए, और ये 300 रुपए आप यहां दिखाएंगे। ओके, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद तीसरी चीज, उसे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए जो कि कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स, सिर्फ पिछले साल के ही प्रॉफिट्स लेने हैं, और इसमें हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, तो पिछले 3 साल में लास्ट ईयर का प्रॉफिट रहा होगा कितना, 30,000 रुपए, तो क्या इसके लिए भी वर्किंग नोट बनेगा? हाँ सर बिल्कुल, इसके लिए भी वर्किंग नोट बनेगा। ये बताओ क्या इस क्वेश्चन में रेशियो बदली है? नहीं बदली, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। अगर रेशियो बदल जाती तो याद है इसके लिए भी क्या था, यूनिवर्सल एंट्री, तो ये आएगा जी वर्किंग नोट नंबर 2 में। चलिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, और वर्किंग नोट नंबर 2 में आपको क्या दिखाना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। लो जी शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम दिखा रहे हैं, कपूर साहब का शेयर, कपूर्स शेयर इज इक्वल टू, बोलो बेटे किस तरीके से निकाला जाए, कौन सा प्रॉफिट लेना है हमें, सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट, तो यहां पे आप लेंगे लास्ट ईयर प्रॉफिट, इनटू में बताइए जरा क्या किया जाएगा, इनटू में लास्ट ईयर प्रॉफिट को टाइम पीरियड के हिसाब से पहले तो बदलना है, टाइम बाय 12, और इनटू में जितना उसका शेयर होगा, यही तो करना होता है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट इसमें गिवन था 30,000 रुपीज, टाइम पीरियड बताओ जी कितना गिवन है, टाइम पीरियड वो 3 महीने तक बिजनेस में रहा, और कपूर जी का शेयर इसमें है 2/5, क्योंकि 2 ही पार्टनर थे, और अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो ये बनेगा 3,000 रुपए, सॉल्व कर दीजिए इसे, तो ये 3,000 रुपए ही बनता है जी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये 3,000 रुपए आप कहां ले जाएंगे, यहां पे
लो जी ये तीसरी चीज जो इसे मिलनी थी वो भी हमने दे दी। फिर उसने कहा जी उसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना है कितना, 2% के हिसाब से इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। तो ड्राइंग्स ढूंढो जरा उसकी कहाँ है, ये रही ड्राइंग्स 5000। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये दोनों ही चीजें बताइए कहां आएंगी, डेबिट साइड में। लो जी ये आ गई ड्राइंग्स कितनी, 5000 रुपए, और ये आ गया जी इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डायरेक्टली अमाउंट का 2% निकालना है, 5000 का अगर 2% निकाला जाएगा तो ये कितना आएगा, 100 रुपीज बस, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 3 साल के बस ये प्रॉफिट बताए हुए, तो इनका कैलकुलेशन में इस्तेमाल था, यहां कहीं ट्रांसफर नहीं होंगे। लो जी ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से डन। टोटल कर देते तो ये बनेगा 43,300। 43,300 में से आप ये डेबिट साइड माइनस कर दीजिए तो ये सारा का सारा पैसा आपको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, कपूर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में। 43,300 माइनस कर दीजिए 5,100, तो ये बनता है जी कितना, 38,000 बनेगा, 38,200 नॉट 36,000। लो जी ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता, लीना, मोनिका 3 पार्टनर है जी, इनके बीच में रेशियो है 1:1:3। इनका कैपिटल अकाउंट शोड द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 31 मार्च 2012, मतलब बैलेंस शीट इस डेट की गिवन है। कविता 70,000, लीना 65,000, मोनिका 2,10,000। फर्म क्लोजेस इट्स अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। ये बात हालांकि हमें इस पॉइंट से क्लियर हो गई थी क्योंकि इस डेट पे कैपिटल के बैलेंसेस थे। कविता की डेथ 30 सितंबर 2012 को हो जाती है जी, ये है हमारे लिए दूसरी बात गौर करने लायक। अगर 30 सितंबर को उसकी डेथ हुई तो इसका मतलब अप टू डेट ऑफ दैट कितना टाइम पीरियड बना, 6 महीने बन गया जी। 30 सितंबर तक काउंट कर लीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और एक महीना और यानी कि सितंबर, तो कुल मिला के वो बिजनेस में कितने समय तक रही, 6 महीने तक। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि ये चीजें आप देंगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 6% पर एनम, तो इसपे ये बात क्लियर हो जाती है कि हमें टाइम पीरियड यहां कंसीडर करना होगा। दूसरा, डिसीज पार्टनर का शेयर इन गुडविल भी मिलेगा ऑफ द फर्म, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। आप इसे कैसे निकालेंगे जी, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पूरे फर्म की गुडविल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आ जाएगी। तो इसे हम अभी रफली कैलकुलेट कर लें जल्दी से, प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 3 ईयर्स बताए हुए, 1,10,000, 1,00,000, 2,10,000 और 90,000, 3,00,000 टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3। एग्जाम में इसी तरह से काम करिएगा, 1,00,000 तो मतलब 3,00,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,00,000 इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2,00,000 रुपए पूरे फर्म की गुडविल आ गई, ठीक है जी। लेकिन हमें 2,00,000 में किसका शेयर चाहिए था, जिस पार्टनर की डेथ हुई है यानी कि कविता, और कविता का शेयर बन रहा है जी 1/5। अगर आप 2,00,000 का 1/5 करें तो जल्दी से बताइए जरा, 40,000 रुपए उसका शेयर ऑफ गुडविल आ गया। इसके लिए कोई वर्किंग नोट नहीं देंगे, बस डायरेक्टली इसे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। हर शेयर इन रिजर्व फंड ऑफ द फर्म विल बी पेड, और रिजर्व फंड जो है फर्म में 60,000 थे एट द टाइम ऑफ कविताज डेथ, तो इसमें कोई टाइम पीरियड कंसीडर नहीं होता। डायरेक्टली अगर इसे भी सॉल्व करें तो 60,000 में बताइए उसका 1/5 हिस्सा कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए
रिजर्व फंड उसके हिस्से में ट्रांसफर कर देंगे जब क्वेश्चन करेंगे। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसके लिए हमें वर्किंग नोट देना है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और एक इसके लिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। लो जी, ये कौन सा मेथड है? सेल्स बेसिस। इट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 कौन सा ईयर हो गया जी? जो 31 मार्च 2012 को एंड हो रहा है, जिस डेट की हमें बैलेंस शीट गिवन है, ये वाली डेट। तो इसका मतलब ये है कि हमें पिछले साल की सेल्स बता रहा है वो यहां पे 20 लाख, और 1 अप्रैल 2012 से लेके 30 सितंबर 2012 तक 4 लाख सेल्स अप टू डेथ। प्रॉफिट पिछले साल का 2 लाख, इसके बेसिस पे आराम से आप निकाल पाएंगे कि उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा। कैपिटल अकाउंट बनाना है टू बी प्रेजेंटेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये जी हमारा क्वेश्चन। चलिए अब जल्दी से हो जाते हैं स्टार्ट, फटाफट से फॉर्मेट बना लीजिए, क्योंकि अगेन आई एम रेडी विद माय वर्क। हियर वी गो, माय फॉर्मेट इज एब्सोल्युटली रेडी। चलिए सबसे पहले बताइए जरा, पहला स्टेप क्या होता है कैपिटल अकाउंट में? पहले तो वो 4 स्टेप करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है जी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बेटे बताओ जरा इसमें कितना बैलेंस गिवन है कैपिटल का? बैलेंस हमें कैपिटल का इसमें बताया हुआ है जी, हमें चाहिए कविता का 70,000 रुपए। अगला स्टेप रीवैल्यूएशन होता है, वो है नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप पे जंप कर जाते हैं, वो होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो हमें गिवन है जी। रिजर्व फंड हमें गिवन था, रिजर्व फंड में हमने उसका शेयर निकाल लिया था 60,000 में 1/5 यानी कि 12,000 रुपए। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला स्टेप होता है गुडविल की एंट्रीज। तो इसमें गुडविल की एंट्रीज बिल्कुल होगी क्योंकि रेशो नहीं बदली, तो एंट्री क्या हो जाएगी जी? जो सर्वाइविंग है वो डेबिट होंगे और जो डिसीज्ड है वो क्रेडिट होगी, और ये डिसीज्ड का ही कैपिटल अकाउंट है, तो इसमें जो अकाउंट डेबिट हुए वो लिख दीजिए। बाय लीनास कैपिटल अकाउंट, और बताइए बाय मोनिकास कैपिटल अकाउंट, ओके। कोई वर्किंग नोट इसमें देने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली गुडविल का शेयर उसका निकाल लिया था, यहीं पे कैलकुलेट कर लिया था 40,000। 40,000 को गेनिंग रेशियो में बांट दो। एक बात बताओ, कविता का शेयर 1/5 था, वो चली गई, तो अब शेयर क्या बचेगा? 1:3, 1:3 में चलो इसे डिवाइड करो, तो 10,000 और 30,000 रुपए इनके हिस्से में आएंगे। लीना के कैपिटल अकाउंट से 10,000 और मोनिका के कैपिटल अकाउंट से कितना आ जाएगा जी? 30,000। गुडविल हो गई एडजस्ट, पहले 4 स्टेप फिनिश। अब उसके बाद आ जाइए जिन आइटम्स को वो अलग से मांग करता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। क्या इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा या नहीं? बिल्कुल बनेगा, तो यहां लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1। लो जी, पहले वर्किंग नोट पे अब आ जाओ, ये है हमारा पहला वर्किंग नोट जिसका नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें चाहिए कविताज इंटरेस्ट, तो कविताज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, बोलो बेटे जी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो आपको क्या लेना है? कैपिटल फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, इनटू में रेट बाय 100 और इनटू में टाइम बाय 12। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, तो बताइए जरा कैपिटल कितनी है कविता की? 70,000 रुपए, और इसका रेट कितना गिवन है हमें? 6% पर एनम 6/100 और इनटू में टाइम बाय 12। टाइम पीरियड वो कितने समय तक बिजनेस में रही है जी? 6 महीने तक। तो अगर इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 2,100 रुपीज, 2,100 रुपए, ये यहां आ गया। और इसे क्या मिल रहा है? सेकंड नंबर पे उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना था, ये कर दिया, रिजर्व भी कर दिया। आखिरी आइटम रह गया उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इसमें रेशियो नहीं बदली,
तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कविताज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आपको लिखना होगा बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड, और इसके लिए आपको वर्किंग नोट भी देना पड़ेगा। तो चलिए अब जल्दी से बना देते हैं वर्किंग नोट नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ कविताज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी बेटे बताइए जरा, कविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, ये किस तरीके से निकलेगा? कविताज शेयर इज इक्वल टू, बोलो बेटे किस तरीके से आएगा कविता का शेयर? उसने कहा है जी आप ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किस बेसिस पे निकालेंगे? सेल्स बेसिस पे। तो सेल्स बेसिस में आपको याद है क्या फॉर्मूला लगता था? सेल्स अप टू डेथ, इसे हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे एक रेशो से। वो रेशो बनती थी लास्ट ईयर के प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल्स के बेसिस पे, मतलब लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स, ये रेशियो से आप मल्टीप्लाई करते थे तो ये इतने पीरियड का प्रॉफिट आ जाता था। और अगर इसे मैं कविता के शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे कविता का शेयर आ जाता था। अगर आप इसे भूल गए हो तो प्लीज इसे फिर से देखिएगा, इसे अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए सेल्स अप टू डेथ हमें बताई गई है 1 अप्रैल 2012 से 30 सितंबर तक 4 लाख रुपए की सेल्स हुई। प्रॉफिट लास्ट ईयर का हमें बताया हुआ है जी, लास्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था? 2 लाख रुपए। और लास्ट ईयर में हमारी सेल्स कितनी हुई थी? 20 लाख रुपए। इनटू में कविता का शेयर, कविता जी का शेयर है 1/5, तो ये सीधा सीधा 8,000 रुपए बनेगा जी इसका प्रॉफिट। लो ये भी सॉल्व हो गया। बस इसके अलावा आपको और कुछ भी गिवन नहीं है, अब आप इसका टोटल कर दीजिए आंसर आ जाएगा फटाफट से। डेबिट साइड में इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। लो जी मैं इसका टोटल कर देता हूं, ये बनेगा 1,32,100, और आप इसमें से डेबिट साइड जो कि जीरो है वो घटाएंगे तो यही अमाउंट पलट के आ जाएगा। और इसे कहां ट्रांसफर किया जाएगा? टू कविताज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,32,100। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चलिए जल्दी से इसे रीड करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 3 पार्टनर हमें बताए हुए हैं ए बी सी, और इनके बीच में रेशियो गिवन है 5:3:2। 31 मार्च 2018 को इनकी बैलेंस शीट हमें बताई गई है। अच्छा एक बात सुनिएगा, जब आप ये रेशो पढ़ते हैं ना तो साथ साथ अपने दिमाग में रीड करते करते आप इनके शेयर्स याद करने की कोशिश करिए कि इसका 5/10 होगा, इसका 3/10 होगा, इसका 2/10 होगा। उससे क्वेश्चन आप थोड़ा सा ईजी हो जाता है आपके लिए आगे गो थ्रू करना। लाइबिलिटी साइड में अगर आप देखें तो रिजर्व्स ए इज लोन, एक नई चीज गिवन है जी, और ये एसेट्स गिवन है। डेट ऑफ बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018, और ए की डेथ हो जाती है जी 1 अक्टूबर 2018। जल्दी से टाइम पीरियड यहां नोट कर देंगे, 6 महीने, ठीक है जी। इट वॉज एग्रीड अमंग हिज एग्जीक्यूटर एंड रिमेनिंग पार्टनर्स दैट, ये एग्रीमेंट किया गया है, गुडविल बी वैल्यूड एट 212, नहीं है ये मिस प्रिंटिंग है, ये 2.5 है, 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स विच वर 2014-15, 15-16 और 16-17 और 17-18 के ये प्रॉफिट्स बताए हुए, 13,000, 12,000, 20,000 और 15,000। गुडविल को हमें वैल्यू करना है, क्या गुडविल का वर्किंग नोट बनाना होता है? नहीं, यहीं पे कर देते हैं जल्दी से काम इसका। एवरेज प्रॉफिट लेना जी कितना? पिछले 4 साल का, तो 4 साल का 1, 2, 3, 4 प्लस करिए 35 हो गया,
20 और 15 35 प्लस 12 47 और प्लस 13 करेंगे तो 60 60 डिवाइडेड बाय 4 इज 15,000 15,000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से तो ये बनता है जी 37,500 ये 37,500 आ गई है फर्म की गुडविल समझ पाए यहीं पे किस तरीके से मैंने कैलकुलेट कर दी फर्म की गुडविल जरा ध्यान से फिर से देखो 1 2 3 4 इन चारों इयर्स को आप क्या करोगे प्लस कर दोगे ठीक है जी और 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये बनेगा आपका 15,000 रुपए इंटू में 2.5 करोगे तो वो जाता है 37,500 और 37,500 इस फर्म्स गुडविल लेकिन हमें किसकी शेयर चाहिए होगा ए का ए की डेथ हुई है तो इसे इंटू में 5/10 कर दो 5/10 का सीधा सा मतलब है हाफ यानी कि ये आएगा 18,750 लो इसका शेयर ऑफ गुडविल हमने बातों बातों में निकाल लिया और देखिए अब जरा इसमें पेटेंट्स भी वैल्यूड एट 8,000 मशीनरी एट 28,000 बिल्डिंग एट 25,000 लो जी और मजे की बात सुनो इसमें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा ये रीवैल्यूएशन की एंट्रीज है ठीक है ना तो कोई बात नहीं रीवैल्यूएशन अकाउंट हम वर्किंग नोट में बना देंगे आगे देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर कह रहे जी 17-18 के लिए प्रॉफिट जो 17-18 का था पिछले साल का प्रॉफिट बी टेकन एज उसे मान लीजिएगा कि वो एक्रू हुआ है मतलब कमाया गया है इसी रेट से जैसे कि प्रीवियस ईयर में था मतलब जो पिछले साल का प्रॉफिट था उसे इस साल का मान लीजिए और टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन कर दीजिए इंग्लिश में बस फंसाने की कोशिश कर रहा हूं आपको फंसिएगा मत इस बात में तो क्या इसमें टाइम पीरियड को कंसीडर करना है वर्किंग नोट इसका बनेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बनेगा इसमें टाइम पीरियड आएगा रिवैल्यूएशन में कोई टाइम पीरियड नहीं आएगा फिर कह रहे जी हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए जितना आधा पैसा उसका बनेगा टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर्स आधा तो आप तुरंत पे कर देंगे कैपिटल अकाउंट में पे मत कर दीजिएगा मैंने आपको पहले बताया था हाथ जोड़कर विनती भी की थी एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट और बाकी का बचा हुआ पैसा उसके लोन अकाउंट में एग्जीक्यूटर अकाउंट से एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में डालना है प्रिपेयर करना चाहिए एक का कैपिटल अकाउंट और एज एग्जीक्यूटर अकाउंट एज ऑन 1 अक्टूबर 2018 क्योंकि इसने डेट बोल दी तो अब मुझे एक एग्जीक्यूटर अकाउंट में एक और काम करना पड़ जाएगा वो ये कि मुझे वहां पे डेट दिखानी पड़ेगी एक एग्जीक्यूटर अकाउंट की बात कर रहा हूं सिर्फ एक डेट का कॉलम बना देंगे बस उसमें और कुछ भी नहीं है और देख लीजिए डेट का कॉलम किस तरीके से बनेगा इस तरीके से एक एग्जीक्यूटर इसमें बनेगा मेरा पूरा फॉर्मेट रेडी है आप भी अपना जल्दी से फॉर्मेट रेडी कर लीजिए ए का कैपिटल अकाउंट इस तरह से एक एग्जीक्यूटर अकाउंट और वर्किंग नोट्स में क्या आ जाएगा जी रिवैल्यूएशन अकाउंट बाकी के वर्किंग नोट्स हम साथ साथ करेंगे चलो तो बेटे सबसे पहले हम काम करते हैं पहला स्टेप बताइए जरा कैपिटल अकाउंट में क्या होता है क्या सबसे पहले हमें बैलेंस को ही ब्रॉट डाउन करना है हाँ सर एक जो कैपिटल का बैलेंस बनता है वो लाइबिलिटी साइड से उठा लो बेटे जो आपने कहा मैंने वो माना 25,000 अगला स्टेप होता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना तो अभी यहां मैं बाय रीवैल्यूएशन नहीं लिखूंगा पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं क्या पता लॉस आए देखिए जरा तीन आइटम्स गिवन है जी रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग कह रहे पेटेंट्स की नई वैल्यू कितनी होगी 8,000 तो पुरानी बताओ कितनी थी 11,000 इसका मतलब पेटेंट्स डिक्रीज हो गए कितने से 3,000 से किस तरफ दिखाएंगे इसे डेबिट साइड में टू पेटेंट्स 3,000 रुपए ओके अब जरा नेक्स्ट देखिएगा मशीनरी की नई वैल्यू होगी 28,000 जबकि पुरानी कितनी थी 30,000 ओ माय गॉड ये भी वैल्यू क्या हुई गिर गई कितने से 2,000 से तो ये भी किस तरफ आएगी जी डेबिट साइड में टू मशीनरी आप देख रहे हैं मैंने समझदारी करी वहां रिवैल्यूएशन नहीं लिखा क्योंकि इसमें चांसेस लग रहे हैं जी लॉस आने के
बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी होगी जी? 25,000 रुपए। अब ये बताइए जरा, पुरानी कितनी थी? 20,000। लो जी, हवा फिस हो गई है तो पूरी। तो बिल्डिंग अगर 5,000 से बढ़ गई तो ये आएगा जी क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग अकाउंट। हवा फिस पता है क्यों हो गई? क्योंकि दोनों साइड का टोटल क्या आ गया? इक्वल। तो इसका मतलब ना तो रिवैल्यूएशन पे कुछ प्रॉफिट हो पाया, ना ही रिवैल्यूएशन पे कोई लॉस हो पाया। रिवैल्यूएशन को हमें इग्नोर ही करना पड़ेगा। अगले स्टेप पे आ जाइए, रिजर्व्स। क्या इस क्वेश्चन में रिजर्व्स गिवन है? यस, रिजर्व हमें गिवन है। बताओ बेटी जी, रिजर्व कितने गिवन है? रिजर्व 6,000 के गिवन है। तो यहां पे आप लिखेंगे बाय रिजर्व्स। रिजर्व्स जो 6,000 के गिवन है, इसमें ये बताइए हमें शेयर किसका चाहिए? ए का शेयर, वो बनेगा 5/10 के हिसाब से कितना? 3,000। 5/10 को सीधा हाफ कर लो ना, उससे कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप बताइए, गुडविल की एंट्रीज। क्या गुडविल हम निकाले बैठे हैं? 18,750। बोलिए, ये बताइए इस 18,750 को हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है? ऑफ कोर्स इसे हमें डिवाइड करना होगा जी गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो इसमें आएगी 3:2। अगर मैं 18,750 को डिवाइड करता हूं 3:2 में, तो ये आएगा 11,250 बी का शेयर, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 7,500 आ जाएगी जी किसका शेयर? सी का शेयर। तो 18,750 को अब हम डिवाइड करते हैं, एंट्री क्या बनेगी ये बता दीजिए। सर्वाइविंग पार्टनर डेबिट होंगे और डिसीज पार्टनर क्रेडिट होगा। तो इसके क्रेडिट में आपको किस किस को लिखना होगा? एक तो बी को बाय बीज कैपिटल अकाउंट, और दूसरा आ जाएगा जी बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। 18,750 को 3:2 में डिवाइड करना है, मतलब 18,750 में 3/5, तो यहां आएगा 18,750 में 2/5 यहां आएगा। अगर आप इसे करें तो ये आ जाएगा 11,250, और अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा 7,500। 18,750 इन दोनों का टोटल बनता है। तो ये हो गया जी हमारा गुडविल की एंट्री। पहले 4 स्टेप हमारे निपट गए। पांचवे आइटम के लिए हमें जाना होता है क्वेश्चन पे, इसके हिसाब से हम करते हैं जो एक्स्ट्रा ये कहता है। ये गुडविल हो गया जी, रिवैल्यूएशन हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट किस बेसिस पे निकालना है जी? प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। तो इसका एक वर्किंग नोट जरूर बनेगा, क्योंकि यहां भी रेशियो नहीं बदली है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। बोलो बेटे जी कितना आएगा? बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2 पे जाएंगे इसके लिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट, किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है जी? ये ए का, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये बताइए जरा किस तरीके से निकाला जाए ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट? उसने कहा है जी ये लास्ट ईयर के बेसिस पे आएगा, तो एज शेयर इज इक्वल टू जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा इनटू, में बताइए ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे, इनटू में टाइम बाय क्या करेंगे 12, और इसमें ए का शेयर इनटू में एज शेयर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट मेरे बच्चे कितना गिवन है इसके अंदर, ध्यान से देखिए और बताइए। 2017-18 का प्रॉफिट वो गिवन है जी 15,000, और 15,000 इंटू में कितने समय तक ये बिजनेस में रहा? 6 मंथ्स तक। तो ये 7,500 हो गया, और 7,500 में इसका शेयर कितना? 5/10, यानी कि इसका भी हाफ। तो ये हो जाएगा जी 3,750 इसका पीएटएल सस्पेंस का अमाउंट आ जाएगा। और ये कहां लिख दिया जाएगा? यहां पे 3,750।
आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए तो अब नेक्स्ट आइटम पर आते हैं। प्रॉफिट हो गया जी, अब बारी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो कि होगा 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी क्या बनेगा, एक वर्किंग नोट बनेगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये मेरा वर्किंग नोट नंबर अब कौन सा जाएगा, 3। लो जी ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 3। यहां पे बना देते हैं जल्दी से इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। बोलो बेटे किस तरह से आएगा इंटरेस्ट, आएगा जी किस तरीके से, जितनी भी ए की कैपिटल है आप उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 और इनटू में टाइम बाय 12। क्योंकि मेरे पास यहां स्पेस नहीं है तो मैं इसे यहीं सामने लिख देता हूं। कैपिटल थी इस भाई की 25,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताया हुआ है कैपिटल पे 10% और टाइम पीरियड है 6/12। तो ये सीधा सीधा आपका 2,500 बन रहा है जी, तो 1,250 इसका बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,250। ओके लो जी ये वाला आइटम भी आपका हो गया। फिफ्थ पॉइंट में वो कह रहे थे जितना भी अमाउंट ड्यू होगा ए को उसमें से आधा तो इमीडिएटली दे दीजिएगा और आधा उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में डाल दीजिएगा, बस ये बात बोली है। तो अब जरा मेरी बात को गौर से समझिएगा, इसमें ए का लोन भी गिवन है ना, और आपको याद हो तो लास्ट क्वेश्चन में भी गिवन था, कुरेशी एक थर्ड क्वेश्चन आया था, जब एसेट साइड में गिवन था तो हम इसे पता है कहां ले गए थे, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पैसा हमें लेना था। तो सेटलमेंट करते वक्त लेन देन सारे एडजस्ट किए जाते हैं बेटे, इसके लिए कोई अलग से सेपरेट लोन अकाउंट नहीं बनेगा, ये पैसा हमें देना है तो ये भी देने वाली जगह पे लिख दो बाय एज लोन अकाउंट। अब सोच समझ के एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या इस ए के लोन पे इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा? आप जानते हैं बिल्कुल आएगा। सर कैसी बातें कर रहे हो, क्वेश्चन में नहीं कहा गया, अरे यही तो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। इस क्वेश्चन में आपको एक बात का ध्यान रखना है, ए का जो लोन है ये गिवन है हमें किस डेट का, 31 मार्च 2018 का। ब्रेकिंग न्यूज है बेटे ये वाला पॉइंट, ध्यान से सुनना, 31 मार्च 2018 का हमें गिवन है जी बैलेंस शीट, और उसकी डेथ कब हुई है, 6 महीने के बाद। तो 6 महीने का इस पे ब्याज नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से लाए, अरे नलायको फर्स्ट चैप्टर याद करो, अगर लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना गिवन हो तो कितना ले लेना होता है, 6%। अब मेरे पास यहां वर्किंग नोट के लिए स्पेस नहीं बचा है, मैं इसे यहीं पे करके दिखा रहा हूं, 5,000 पे 6% के हिसाब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस पे, और वो भी कितने महीने का, 6 महीने का। तो ये बनेगा जी 150 रुपए, तो इसका मतलब इसके लोन का अमाउंट 5,000 प्लस इंटरेस्ट होके कितना हो जाएगा, 5,150। आप चाहते तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन को अलग से भी दिखा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंबाइन भी कर सकते थे, मैंने तीसरे क्वेश्चन में ये अलग से दिखाया था, बस ये हुआ था बस जी, और तो कुछ भी नहीं है। जो इसमें आना हो ये एग्जीक्यूटर की एंट्री है, जो हाफ अमाउंट पे करना वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में करेंगे। अब जल्दी से कर देते हैं इसका टोटल, ये पूरा अगर हम टोटल कर दें तो ये बनता है आपका अमाउंट 56,900। कितना बनता है, 58,900 बनेगा शायद,
एक मिनट रुकिए जरा, इसे फिर से एक बार कैलकुलेट किया जाए। हाँ जी, ये 56,900 ही बन रहा है। ये लो जी 56,900। ये पूरा का पूरा अमाउंट बेटे कहां पे ले आओ गया? ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। किसी भी बुक में आप कोई भी सॉल्यूशन देख ले, यहां पेमेंट मत करना, बस इस पूरे के पूरे अमाउंट को यहां ले आइए बाय एज कैपिटल अकाउंट। देखिए डेट का कॉलम यहां मैंने इसलिए बना दिया है क्योंकि क्वेश्चन में वो डेट की बात कर रहा है कि एक एग्जीक्यूटर अकाउंट 1 अक्टूबर 2018 तक का दिखाओ, तो इस वजह से मैंने ये बना दिया। अच्छा अब सुनिए जरा, ये हमने ट्रांसफर किस डेट पे किया जी? अक्टूबर 1, जिस डेट पे डेथ हुई है, ठीक है। कभी मार्च 31 पे ट्रांसफर करके दिखाओ, और इस डेट पे ही 2018 अक्टूबर 1 को यहां पे आप पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। बताइए जी कितनी पेमेंट करनी है? हाफ, 28,450। बाकी हाफ के लिए उसने क्या कहा है कि इसे कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ए के एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 28,450 टोटल 56,900 दोनों साइड का बनेगा। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी। ये सही कर लीजिएगा आंसर, ये आ रहा है 56,900। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा और इसे आपको करके मजा भी आया होगा। चलिए तो अब इसके बाद एक और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इतने क्वेश्चंस करने के बाद अब आपको इससे यहां से क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको करना है जी होमवर्क। इसमें एक ये वाला पॉइंट सही कर लीजिए, ये भी 2.5 years है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, 8 अभी रहने दीजिएगा ये मैं करा दूंगा, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है। ये सारे क्वेश्चंस तो करने हैं आपको कहां से? आपके असाइनमेंट से। और इसके अलावा मैं आपको आप ही के बुक के कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको करने हैं। ये क्वेश्चंस आप कल तक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कल और परसों में बहुत सारी क्लासेस में आपकी रिकॉर्ड करने वाला हूं जिसमें अकाउंटिंग रेशियो पे खास जोर रहेगा। तो अब आप सुनिए जरा, आप यहां पे कौन कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे? आप क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर आप अभी कर लीजिएगा 73 तक, यहां तक कर लीजिए 64 से 73, ओके। इतना काम आप करेंगे और मुझे ये आप जरूर सेंड करेंगे, मैं इंतजार करूंगा बेटे। देखना ये है कि कौन बच्चा जल्दी भेजता है और कौन बच्चा लेट भेजता है। आप जल्दी भेजते हैं, कल सैटरडे शाम तक आप ये सारा होमवर्क मुझे भेज दीजिए। यकीन मानिए डेथ का टॉपिक फिर हमारी पकड़ में होगा। इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो हम अभी टॉपिक कर रहे हैं। तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, कंप्लीट योर होमवर्क टाइमली। बाकी कल मैं आपको और वीडियो सेंड करूंगा। ओके बाय बाय।